है, जिसके बाद से ये पूरा मामला शुरू हो गया। एसडीएम को थप्पड़ मारा, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। शाम होते होते तक समर्थकों की तरफ से पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टियर गैस का इस्तेमाल किया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी होती है, जिसके बाद अब जो समर्थक है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों को जाम कर दिया गया है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। तो नरेश मीणा के समर्थक लगातार उग्र होते हुए तो चलिए अब आपको नरेश मीणा के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। कैसे छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आने का जो सफर है नरेश मीणा का वो शुरू होता है। छात्र संघ राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। किरोड़ी पायलट के समर्थक भी रहे हैं। नरेश मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रहे हैं। छात्र राजनीति के समय भी नरेश मीणा ने कई बार उग्र प्रदर्शन किए हैं। नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते समय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद बगावत के कारण निकाल दिया गया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने करीब 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव के समय समर्थन के साथ नरेश मीणा को फिर कांग्रेस में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त उन्होंने दौसा सीट से दावेदारी की थी। इस दौरान मुरारी लाल मीणा के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी की थी। इस दौरान दोनों के बीच सुलह हुई और दोबारा वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक थप्पड़ कांड से कैसे ये पूरा मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया है, ये पूरी जानकारी हम आपको कल से लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और नरेश मीणा के बारे में भी आपको बता रहे हैं क्या बैकग्राउंड रहा है नरेश मीणा का। देखिए, इसके पहले भी इस तरह के उग्र आंदोलन नरेश मीणा की तरफ से छात्र जीवन में भी किया गया। जब वो छात्र संघ राजनीति में थे तो उस वक्त भी इस तरह के उग्र आंदोलन उनकी तरफ से कई बार किए गए। कांग्रेस राज्य में जेल गए तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भैया से उनके जो विवाद है उसकी भी खबरें सामने आई। नरेश मीणा कांग्रेस राज के दौरान जेल गए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भैया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन पर प्रशासन से प्रताड़ित करवाने और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस राज में जेल में रहे थे। दरअसल पिछले साल 19 सितंबर को भी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय भी उनकी रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया था। दरअसल 12 में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश मीणा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस जला दी थी। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब आइए बात करते हैं नरेश मीणा के खिलाफ कितने ज्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं या कितने मामले अब तक लंबित पड़े हैं। नरेश मीणा के खिलाफ 14 से ज्यादा मामले लंबित हैं। अब जमानत आसान नजर नहीं आ रही है। नरेश मीणा के खिलाफ 15 से ज्यादा मामले लंबित हैं। 7 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी बाकी है। अब पुलिस सब मामलों में गिरफ्तारी करेगी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर उर रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं समीर का। समीर, सबसे पहले तो आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, समर्थकों के भरोसे नरेश मीणा जिस तरह का उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर? मैं आपको बता दूं, ये सुबह जैसे ही इसको हिरासत में तो हम अपने संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए अब आपको पूरा बैकग्राउंड हम समझा रहे हैं।
क्या बैकग्राउंड रहा है नरेश मीणा का, चाहे वो छात्र राजनीति की बात कर ली जाए या फिर मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ने के बाद क्या बैकग्राउंड उनका रहा है, वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अब जमानत मिलना आसान नहीं है। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग थानों में ये मामले दर्ज हैं और अन्य मामलों में भी वांटेड अपराधी हैं। इधर सावरता में घटना के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करना, आगजनी करना और रास्ता रोकने के मामले दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये 6 तस्वीरें थप्पर कांड से किस तरह से समरावता सुलगता नजर आ रहा है, इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही हम आपको बता दें कि ये 6 तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, थप्पड़ कांड। एसडीएम को थप्पड़ मारा जिस वक्त वोटिंग प्रक्रिया जारी थी, उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, मामला काफी ज्यादा बढ़ गया, समर्थकों की तरफ से काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जाने लगा। चौथी तस्वीर जहां गिरफ्तारी के बाद आगजनी की गई, समर्थक सिर्फ प्रदर्शन करना या फिर पुलिस पर पत्थरबाजी से ही शांत नहीं हुए, उन्होंने आगजनी तक कर दी सड़कों पे। उपद्रवी गिरफ्तार भी हुए हैं जिनमें से कईयों को पुलिस ने उसी वक्त हिरासत में ले लिया, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन 6 तस्वीरों के जरिए ये पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए मामला शुरू कहां से हुआ था। एक थप्पड़ से यह मामला शुरू हुआ था जब एसडीएम को नरेश मीणा ने अपना आपा खोते हुए थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं लाल घेरे में ये वीडियो जहां पे नरेश मीणा ने किस तरह से अपना आपा खोया और एसडीएम को ऑन ड्यूटी एक एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी तस्वीर, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि लगातार नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही थी। एक ऑन ड्यूटी एसडीएम को उन्होंने इस तरह से थप्पड़ मारा है, हालांकि उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद मीडिया के सामने सफाई भी पेश की, जहां उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आके एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसके बाद नरेश मीणा की आखिरकार फिर भी गिरफ्तारी होती है। शाम होते होते तक जो नरेश मीणा के समर्थक है वो पुलिसकर्मियों पर पथराव करने लगते हैं, कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल भी हो जाते हैं, जिसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी और समर्थकों के उपद्रव से गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया। गिरफ्तारी के बाद आगजनी भी की गई, उपद्रवी भी गिरफ्तार हुए हैं और अब भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें, अभी देखिए इस पूरे मामले में अपडेट भी सामने आ रही है। अपडेट के अनुसार नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहां नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंच रहे हैं, उन्हें समझाने पहुंचे हैं। आरएएस अफसरों का सचिवालय में धरना खत्म हो गया है। आरएएस जो अफसर थे वो भी सचिवालय पे धरने पर बैठ गए थे। जैसे ही नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद से आरएएस अफसरों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब आरएएस अफसरों का धरना खत्म हो गया है। नरेश मीणा ने टोंक के समरावता में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद आरएएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी और फील्ड में तैनात अफसरों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर सरकारी कामकाज के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। सचिवालय में गुरुवार को आरएएस अफसर काम छोड़कर गांधी प्रतिमा पर इकट्ठे हो गए, धरने पर बैठ गए। अफसरों ने फिलहाल धरना खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम धरने से तो उठ गए हैं लेकिन हम काम अभी शुरू नहीं करेंगे।
तो थप्पड़ और अब जो बवाल है वो किस कदर मचा हुआ है, लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया। तो नरेश मीणा के समर्थकों ने तो नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से लगातार बवाल मचा हुआ है। सड़कों पे लगातार बवाल नरेश मीणा के समर्थक कर रहे हैं। हालांकि हाईवे जाम करने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों से समझाइश भी करने पहुंचे, लेकिन अब देखिए टोंक के अलीगढ़ में बवाल तो जम के मचा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जगह जगह उत्पात मचा रखा है। मीडिया कर्मी अजीत सिंह शेखावत को भी पीटा है समर्थकों ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र को भी पीटा है। उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, उनके कैमरे तक तोड़ डाले। पुलिस ने इलाज के लिए सवाई माधोपुर भेजा है। आरएस अफसर के बाद अब पत्रकारों की भी पिटाई की जा रही है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। तो देखिए लगातार नरेश मीणा के जो समर्थक है वो किस तरह से अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। साफ तौर पे ये गुंडागर्दी उनकी नजर आ रही है सड़कों पे। और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पे टोंक के अलीगढ़ में बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों का उत्पात लगातार जारी है और मीडिया कर्मी अजीत सिंह शेखावत को भी पीट दिया है नरेश मीणा के समर्थकों ने। उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों का कैमरा तोड़ा। नरेश मीणा के समर्थकों का उत्पात लगातार जारी है और ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों ने मीडिया कर्मी अजीत सिंह शेखावत की पिटाई कर दी है। कैमरा पर्सन को भी पीटा है, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र को पीटा है। उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे तक तोड़ डाले हैं। तो लगातार ये अपडेट इस पूरे मामले से जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया कर्मी अजीत सिंह शेखावत को पीटा, उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों का कैमरा तक तोड़ दिया है। पुलिस ने इलाज के लिए सवाई माधोपुर मीडिया कर्मियों को भेजा है। नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्रकारों को भी पीटा है। पिटाई से दो पत्रकार घायल हो गए हैं, कैमरा भी टूट चुका है। पूरे मामले में सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो उपद्रवी है वो साफ तौर पे अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पहले पुलिसकर्मियों पर पथराव करना, उसके बाद सड़कों पर आगजनी करना, हाईवे जाम कर देना और अब मीडिया कर्मियों पर भी हमला करना, ये तमाम चीजें साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो अब उपद्रव के साथ साथ गुंडागर्दी पर भी उतर आए हैं। सरकारी संपत्तियों को तोड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, वाहनों में आग लगा दे रहे हैं। इसके अलावा मीडिया कर्मियों पर भी अब समर्थकों की तरफ से हमला किया गया है। अलीगढ़ के पास हाईवे जाम किया, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि जाम खुलवाने की समझाइश की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर मौजूद है। थप्पड़ कांड, उसके बाद गिरफ्तारी और अब जमके ये बवाल मचा है।
थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन समर्थकों का बवाल अभी और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। समर्थक और ज्यादा उग्र हो गए हैं और अब उनकी तरफ से लगातार बवाल किया जा रहा है। 13 नवंबर को 12:30 बजे नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मारा। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं, लाइन बाय लाइन तमाम चीजें आपको बता रहे हैं कि आखिर कब क्या हुआ। 13 नवंबर को रात 8 बजे तक मतदान हुआ है। 13 नवंबर को रात 9:30 बजे पुलिस ने पिकअप को रोका। देखिए वोटिंग जारी थी और उसी दौरान ये तमाम चीजें हुई हैं। 13 नवंबर को रात 9:45 पे नरेश मीणा धरने से उठकर पुलिस से मिलने गए हैं। धरने पर बैठे थे नरेश मीणा। रात 10 बजे भीड़ ने नरेश मीणा को पुलिस से छुड़वा लिया और इसके बाद लाठीचार्ज और आगजनी भी हुई है। तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा क्योंकि समर्थकों की तरफ से लगातार पत्थरबाजी की गई थी। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजा, अब देखा जाए तो ये समर्थकों का उपद्रव अब धीरे धीरे गुंडागर्दी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, सड़कों पर आगजनी, उसके बाद हाईवे जाम करना और अब पत्रकारों से मारपीट। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से पुलिस महकमे की तरफ से कोई बड़े आदेश जवानों को नहीं दिए जा रहे, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, सर फाड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कैमरे तोड़े जा रहे हैं। वही जिस तरीके से पुलिसकर्मी खुद मामले में चोटिल हो रहे हैं, लेकिन आला अधिकारियों की तरफ से जो सख्ती से निपटने के निर्देश है वो आला अधिकारियों की तरफ से नहीं दिए जा रहे, जिसका कामयाज अब उग्र प्रदर्शन के तौर पर जो टोंक इलाका है, चाहे उनियारा की बात की जाए, चाहे देवली हाईवे की बात की जाए या फिर अलीगढ़ हाईवे की बात की जाए, इन तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। वही जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अब मारपीट की जा रही है, कैमरे तोड़े जा रहे हैं, बाकायदा सवाई माधोपुर इलाज के लिए इन तमाम पत्रकारों को ले जाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो निपटने के आदेश है वो अब पुलिस को पीरियन करना होगा, वरना ये प्रदर्शन और भी उग्र देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल रजा, क्योंकि देखिए कई समर्थकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे हैं समर्थकों से समझाइश करने के लिए। क्या लग रहा है समर्थकों का जो ये बवाल है ये आखिर कब थमेगा, क्योंकि नरेश मीणा को छोड़ना तो फिलहाल इम्पॉसिबल है, उनका अभी तो बच पाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, देखिए समर्थकों से लगातार जो अपील है वो राजस्थान पुलिस करती हुई नजर आ रही है कि आप कानून हाथ में नहीं ले, लेकिन इस अपील का कोई जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा सकता है कि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अब सड़क पर उतरने के बाद इन लोगों को समझाइश करनी होगी कि आप इस तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है, SP का जो कहना है कि 25 मुकदमे नरेश मीणा के खिलाफ पूर्व में दर्ज है, तो उन मुकदमों के अंदर भी जो गिरफ्तारी है वो फिलहाल देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रजा, और देखिए किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच चुके हैं, समर्थकों से समझाइश कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनकी बातों का कितना असर समर्थकों पर होगा? बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ हाईवे जिस तरीके से नरेश मीणा के समर्थक जाम करके बैठे हुए थे, किरोड़ी लाल मीणा ने समझाइश की तो एक बार का वो समझ गए थे, लेकिन दोबारा से फिर जाम लगा दिया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से जो किरोड़ी लाल मीणा है वो जो पूरा मामला जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पहुंचे और वहाँ लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं ले। वह अब तक तकरीबन 6 के करीब जो FIR है वो पूरे मामले को लेकर अलग अलग इलाकों में दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल रजा, क्योंकि अब देखिए अब तो समर्थक जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, अब ये सिर्फ एक मामूली प्रदर्शन नहीं रह गया, ये एक प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि हाँ हम अपनी किसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीजें तो उपद्रव और सीधे सीधे गुंडागर्दी पे तब्दील हो गई है। आगजनी करना, मारपीट करना, पुलिस पर पथराव करना, मीडिया कर्मियों पर हमला कर देना, उनके कैमरा तक तोड़ देना। बिल्कुल, देखिए सही बात है, बिल्कुल जिस तरीके से अब इसको प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, बल्कि उग्र और खूंखार प्रदर्शन जो है वो धीरे धीरे होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टोंक देवली उजियारा के अंदर कल जो कांड हुआ था उसके बाद अब जिस तरीके से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, पूरे मामले के अंदर टोंक इंटेलिजेंसी की जो फेलियर है वो पूरी तरीके से साबित होता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब एक्शन कुछ अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। जी रजा, लेकिन अगर देखा जाए तो नरेश मीणा का जो रिकॉर्ड है, जो बैकग्राउंड है, अभी हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे दर्शकों से, हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे थे, वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। चाहे उनके छात्र राजनीति की बात कर ली जाए या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद की बात कर ली जाए,
इस तरह की चीजें, ऐसा लग रहा है कि उनकी एक अलग, उनकी एक पहचान है। बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, इस वजह से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर जिस तरीके से ये पूरा जो है उन्होंने नामांकन किया, बगावत की बाकायदा पूरे मामले को लेकर, और तकरीबन 25 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। 25 मुकदमों के अंदर कहीं में चालान पेश हो चुका है, कहीं में गिरफ्तारी नहीं हो रखी, और 4 आज और मुकदमे अगर देख लिया जाए तो तकरीबन 29 मुकदमे पूरे मामले को लेकर नरेश मीणा के जो है देखे जा रहे हैं। फिलहाल समर्थकों को 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले को लेकर जो आगे की कार्रवाई है वो टोंक पुलिस की तरफ से अंजाम दी जा रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल जैसे टोंक एसपी विकास सांगवान की बात की जाए, एडिशनल एसपी बरजेंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, या फिर एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, कमांडोज की बात की जाए, या फिर आरएसी बटालियन की बात की जाए, वो तमाम लोग अब फील्ड के अंदर रहने के बाद जो कानून व्यवस्था है वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो है माहौल कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। रजा, क्या लग रहा है ये चीजें कब तक और चलने वाली है, क्योंकि इससे आम जनता भी परेशान हो रही है, सीधा असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो समर्थक के ऐसा तरीके से पत्रकार और पुलिस के जवान हैं वो भी ये कहा जा सकता है कि काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर आप ऐसा नहीं करें, कानून हाथ में नहीं ले। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कब तक स्थिति कंट्रोल में हो पाती है। जी बिल्कुल रजा, क्योंकि जो ये समर्थक है इनको देख के, इनके हाव भाव से, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये समर्थक है फिलहाल इनके हाव भाव से, इनके बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें तो साफ समझ में आ रही है कि ये यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। ये चीजें भी और ज्यादा जो प्रदर्शन है, या यूं कहे कि जो उग्र प्रदर्शन है, वो करने की पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं। समर्थकों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन हो गया है अब, और आम जनता भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो रही है। थप्पड़ कांड से ये पूरा मामला शुरू हुआ, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया नरेश मीणा की तरफ से, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए, उसके बाद अपने समर्थकों के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद समर्थकों की तरफ से लगातार पत्थरबाजी की जाती है जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले तक छोड़े, जिसके बाद जो समर्थक थे वो नरेश मीणा को वहां से लेके चले गए। दोबारा गिरफ्तारी हुई नरेश मीणा की, जिसके बाद अब ये जो समर्थक हैं अब उग्र प्रदर्शन और उपद्रव पर उतर आए हैं, या यूं कहे कि साफ तौर पे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, कैमरा तक तोड़ डाले हैं पत्रकारों के, कई पत्रकार बुरी तरह से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। तो सड़कों पे ये जो समर्थक हैं वो उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नरेश मीणा खुद एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद अब उनके समर्थक यहां उनके समर्थन में बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी खबर पे तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम चीजों से आप खुद भी अपडेट होंगे, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या आ रही है इन तमाम चीजों को देखकर आपकी? थप्पड़ मारा और उसकी गिरफ्तारी के बाद में पूरे टोंक शहर में, देवली हो, उनियारा हो, अलीगढ़ हो, मालपुरा हो, वहां उनके जो समर्थक हैं उन्होंने काफी रास्ते वगैरह जाम कर रखे हैं, और इस चीज की कवरेज के लिए काफी पत्रकार जयपुर से भी काफी लोग गए हुए हैं। स्थानीय पत्रकार तो कर रही हैं, जयपुर से गए हैं पीटीआई के जो वहाँ संवाददाता है अजीत सिंह जी और उनके कैमरामैन थे धर्मेंद्र जी, और भी कई पत्रकार साथी थे जो अलीगढ़ गए, वहाँ उनके साथ जब वो कवरेज कर रहे थे, बाइट्स ले रहे थे, तब उनके साथ उनके समर्थकों ने मारापीटी की, पत्थर फेंके, और जो कैमरामैन था उसका जो वीडियो और जो कैमरे थे उनको छीन लिया और उसको तोड़ दिया, और काफी लात गुस्से भी बरसाए हैं। पुलिस ने बीच बचाव करके उनको बचाया है, और भी जो दूसरे साथी थे उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई है। काफी माहौल
तनावपूर्ण है उस क्षेत्र में, घायल जो पत्रकार है उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, अब आप इन समर्थकों को किन नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये वाकई समर्थक हैं जो अपने लीडर के बचाव में समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, या अब ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं? बिल्कुल एक तरह से गुंडागर्दी है, आपने आम रास्ते रोक रखे हैं और मारा पीटी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को ही पीट रहे हैं, तो ये तो गुंडों की प्रवृत्ति है जी। ये उनके समर्थकों का बिल्कुल ही गुंडाई जो प्रदर्शन है वो है, और ऐसे लोगों के तो खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और इन पर भी वो जैसे नरेश मीणा को अरेस्ट किया है उनको, इनके समर्थकों को भी अरेस्ट करके इनको जेल में डाला जाना चाहिए। और हम तो मांग करेंगे जो जिन्होंने हमारे पत्रकार साथियों पर हमला किया है उनसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इन पर कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल राकेश जी, कानूनी कार्रवाई की मांग हम भी कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है, लेकिन नरेश मीणा के बारे में अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही रही है। अभी हम उनके छात्र राजनीति की बात कर रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद की चीजों को देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी प्रवृत्ति ही उपद्रवी रह चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव बना था तब मैं राजस्थान पत्रिका जयपुर में था वहाँ जी, तो इसी दौरान कोई कोई खबर के लिए ये पत्रिका कार्यालय भी आ चुका था, जालाना ऑफिस में था, और पूरे इसी तरह के गुंडाओं की भीड़ लेके वहाँ आया कि साहब मेरी खबर नहीं लगती, वो नहीं लगती, गेट पर चढ़ गए, अंदर घुस गए, तब भी उसको समझाया इसकी कि भैया ये कोई सरकारी कार्यालय तो है नहीं जो इस तरह की गुंडागर्दी करे। तो उसकी शुरू से ही कॉलेज लाइन से यही हालात हैं, और ये चाहे छात्र संघ चुनाव हो, इसके जो और विधानसभा चुनाव हो, जो दूसरे प्रतिद्वंदी है उनके साथ गाली गलौज करना, उनके समर्थकों को दोबारा मारा पीटी करना, धमकाना, इस तरह की प्रवृत्ति रही है। और पास इसके कम से कम भी 10-15 केस तो वैसे ही लगे हुए हैं, आज सरकार ने ही फैसला किया है कि साहब इसकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने ऑन ड्यूटी एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद वो सफाई भी दे रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, ईवीएम मशीन पे हमें हमारा चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा था, जिसके बाद वो धरने पर बैठते हैं और गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक उन्हें पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भी ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई, कोई उसकी एसडीएम की तो ये गलती थी नहीं, अगर कोई होती तो आप कलेक्टर से बात करते, या पहले भी जब आपके एक दिन पहले ये एक दो दिन पहले ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मशीनों को दिखाया जाता है एजेंट्स वगैरह को कि आप कोई गड़बड़ है तो बताएं, तब तो इन्होंने बताया नहीं। और उस दिन जैनिकली जो उन्होंने की तो एक माहौल गड़बड़ा में करने के लिए उन्होंने इस तरह की है कार्रवाई की है, झूठे आरोप लगाते हुए, ऐसी कोई चीज लग रही नहीं है, ना कोई सामने आई है कि भाई उनको माइनस करने के लिए कि भाई उनका नाम वो जो कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि साहब मेरा धुंधला कर रखा है, लोगों को दिख रहा नहीं है, वो गलत है। वो तो क्या हमेशा इनकी इसी दिन जब मतदान होता है, पिछले जो 12 छबड़ा में भी उन्होंने इसी तरह के पंगे किए थे, आधा इलेक्शन होने के बाद में इनके समर्थकों ने उड़दंगबाजी, खुद ने भी उड़दंगबाजी स्टार्ट कर दी थी, ये प्रवृत्ति है इसकी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राकेश जी, जिस वक्त टिकट बंटवारे की बात हो रही थी कांग्रेस में, उस वक्त भी इन्होंने कहा था, नमो नारायण मीणा से इन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सबको निपटा दूंगा। सही है, बिल्कुल यही कहा था इसी तरह के अंदाज में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए नरेश मीणा के चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या प्रवृत्ति उनकी रही है शुरू से, किस तरह से एक उपद्रवी जो प्रवृत्ति है वो साफ तौर पे उनकी नजर आ रही है।